देश आज तक के साथ भारत के चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च देखते हुए इतिहास का साक्षी बन रहा है। चांद के अंधे के हिस्से से पूरी दुनिया को खबरों से खबरदार करने के लिए निकले भारत के मिशन चंद्रयान के लॉन्चिंग के सब कुछ सफलता से ठीक चल रहा है और अब तक करीब 55 मिनट बीत चुके हैं। इन 55 मिनट में चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग पर फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजा है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि अंतरिक्ष इतिहास में भारत के चंद्रयान 3 ने नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वो देश के वैज्ञानिकों की लगन को सलाम करते हैं और हर भारतीयों के सपने की ये ऊंची उड़ान है। वैज्ञानिकों के अथक लगन और परिश्रम का गवाह ये चंद्रयान 3 बना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में इसे एक नया अध्याय लिखा और लिखा कि यह हर भारतीय के सपनों महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरना है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस से फ्रांस के 2 दिन के अपने दौरे पर हैं और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने MVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा अपने तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है। कल शुरू हुई उल्टी गिनती के अंत में रॉकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से दोपहर 2:35 पर निर्धारित समय पर धुएं का घना गुबार भरते हुए आकाश अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा है और प्रक्षेपण देखने के लिए मौजूद हजारों दर्शक चंद्रयान 3 के रवाना होते ही खुशी में झूम उठे। आज रवाना हुआ चंद्र मिशन 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है और भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का भी है। तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है।